ठाणे जिले के मुमरा कौसा के अंतर्गत आने वाले प्राइम क्रिटिक केयर सेंटर में लगी आग के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अस्पताल पहुंचकर पहले मरीजों का हाल जाना और उसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला। तीसरी बार यहाँ थाना में आना पड़ रहा है, तीन दिन में कोविड पेशेंट की तीसरा हत्याकांड। ये तो ठाकरे सरकार का हत्याकांड चल रहा है। आज प्राइम हॉस्पिटल में चार की मृत्यु हुई, दो सीरियस है। कल थाना में दिया हॉस्पिटल में रात को 6 घंटा प्रतीक्षा के बाद में ऑक्सीजन नहीं आया, 9:30 बजे समाप्त हुआ। उस समय पे 7 ICU पेशेंट को शिफ्ट किया गया। पर तो थाने वेदांत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, 6 लोगों की मृत्यु हुई। 5 दिन पहले थाने जिला के बिरार में आग लगी, 2 दर्जन कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह हत्याकांड देख रहे हैं, ये कोविड मृत्यु कांड नहीं है, ठाकरे सरकार द्वारा किया जा रहा कोविड हत्याकांड है। बदमाशी कर रही है ठाकरे सरकार। लेबोरेटरी को कहा गया है रिपोर्ट तुरंत मत दो, 3 दिन लो। दूसरी ओर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर तो बदमाशी कर रहे हैं। वास्तव में 21 तारीख को टेस्टिंग हुआ, 47,000 कोविड पॉजिटिव, 8,000 निकले। आदेश ये हुआ कि रिपोर्टिंग डबल करो, टेस्टिंग डबल करो। इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया, अरे कमी आंकड़े दाखवा, तो टेस्टिंग ही कल 30,000 की और बोलते अभी 4,000 हो गए। एक और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर इस प्रकार के आगे लग रही है और तीसरी ओर टेस्टिंग में बदमाशी कर रही है। लोगों की जान के साथ में उद्धव ठाकरे सरकार खेल रही है। अभी सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है। उनके मंत्री वो जो सचिन वादे, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है उसमें भयभीत है, मंत्री गायब है। ठाकरे साहब बंगले के अंदर सुरक्षित है और पेशेंट एक के बाद एक मृत्यु देख रहे हैं।